top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. आनंदा डेरी जो मुखबिरी हुई थी वो डेरी से, ठीक है, तो डेरी वाला ही कोई इन्वॉल्व था और उसी ने बताया था कि यहाँ पे ऐसे करके डेली कैश कलेक्ट होता है। तो ये लड़के वहीं पे ही कलेक्ट थे, वहीं पे ही इकट्ठे हो रखे थे छीनने के लिए। आई थिंक इन लोगों को भी इतना आइडिया नहीं था कि कैश का अमाउंट कितना है। ये लोग यही मान के चले थे कि डेरी पे जो कैश होता वो सभी नहीं मिलेगा। ये डेरी कहाँ था? ये डेरी वहीं पे है स्वर्ण नगरी, जिस पॉइंट से उस आदमी ने जो वादी है हमारा उसने 3 या 4 पॉइंट से कलेक्शन किया। तो जो उसका आखिरी कलेक्शन पॉइंट था वो डेरी, ठीक है। ये लोग केवल डेरी का ही मान के चल रहे थे, इन लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा कैश होगा। ये डेरी में ही आदमी इसमें इन्वॉल्व था। मैं लूट में 3 थे, ये 5 एक्चुअली देखा जाए तो लूट में 5 लोग इन्वॉल्व थे जितना अभी तक पता चला है। 3 ने तो केवल बैग छीनने वाली घटना की है, इसके अलावा एक लड़का और था जो बाइक से था, जो इस आदमी को टेल करता हुआ गया है। एक लड़का और था जिसने वहां बैठकर बीडी की है कि हाँ कलेक्शन एजेंट आ गए। फायरिंग के लिए आज ये 5 के 5 लोग यहाँ मौजूद थे, उसमें से फायरिंग पर्टिकुलरली किसने किए हैं ऐसा तो हम नहीं बता पाएंगे, पर जो भागे थे उसमें भूरा था और 2 लड़के और थे, उनका क्या नाम है जितेंद्र? सोनू और पिंकी नाम था। ये 2 तो हमको साथ साथ मिल गए थे कपिल उर्वे में। मेल ही है यार। और ये जो सोनू है ये अच्छा बदमाश बताया जाता है, इसको सोनू डीलर के नाम से जाना है। ये इसका होंगे मैं नहीं कह सकती, पर यहाँ पे भी इनका आपराधिक इतिहास है। इससे पहले ये सोनू जो है ये दादरी में किसी केस में पकड़ा गया। ये गोली जो लगी है 4 लाख 20 हजार बरामद। अभी 2 लोग और बचे भी हुए, पॉजिटिव की रिकवरी भी हो और ये लोग इसमें गैंग का लीडर कोई है मैम? सभी लीडर सोनू सोनू ही। ये मैम गोली कहाँ लगी है इसको? गोली पैर में लगी है, इज कम्प्लीटली स्टेबल, डॉक्टर से बात भी हो गई है, आई थिंक उसको छुट्टी भी मिल जाएगी। कहाँ है? जिला अस्पताल। गोली लगी है यार, मैंने एक्चुअली मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखी, आई थिंक एक ही लगी, जितना अभी तक ट्रेस डाउन कर पाए हैं एक मुकदमा हमको अपने यहाँ मिला है, मतलब 2 मुकदमे तो अपने यहाँ होंगे, 25 आम सेक्टर केस है और एक डकैती बड़ी कुछ कब से काम कर रहे थे ना, पर कब से काम कर रहे हैं अनिल की पहले भी जेल जा चुका है बुगरा वगैरह, ये सब लोग लगभग इस घटना से 8 दिन पहले इन लोगों ने प्लानिंग की थी, जो मुखबिरी हुई थी उससे डेरी से, उसी में इन लोगों ने प्लानिंग की इस तरह से घटना को अंजाम देना, और ये सारे लोग इकट्ठे हुए और फिर इन्होंने रैकी की और रैकी करने के बाद में घटना की। 8 दिन पहले तक पुलिस दर्ज था यहीं पर आ गए, ये किसी मामले में तारीख पर आए थे, उसके बाद में इन्होंने प्लानिंग बनाई है सारी, प्लानिंग करके घटना की। मैम जिसने मुखबिरी की थी वो भी दोषी होगा? लास्ट टाइम ये भी पता कर रही है, अभी हमें अभी सोनू पकड़ा जाना केस है और उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं, लूट में पहले जेल जा चुका है ये पता चला है, इसमें काफी बड़ा रोल उसका भी रहा है पूरा। कैश की रिकवरी कुछ नहीं है क्या?